हेलो स्टूडेंट्स, आज का अपना टॉपिक है कैनाल सिस्टम इन स्पॉन्जेस। स्पॉन्जेस में नाल तंत्र। पहले हम बताएंगे कि नाल तंत्र की आवश्यकता क्यों होती है और इसका महत्व क्या है स्पॉन्जेस में। यूनिसेलुलर एनिम स्पॉन्जेस किसका सदस्य है? पॉरीफेरा का। पॉरीफेरा मतलब पोर बियरिंग बॉडी। इससे पहले जो एनिमल में क्लासिफिकेशन शुरू होता है तो सबसे पहला आता है प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ में कौन से एनिमल्स आते हैं? जो ए सेलुलर हम कह सकते हैं या यूनिसेलुलर हम कह देंगे। तो यूनिसेलुलर या ए सेलुलर एनिमल्स के अंदर, क्योंकि एनिमल छोटा होता है, एक कोशिका का बना होता है, तो उसमें अधिकतर जो बाह्य सतह है वो बाह्य अधिकतर जो सतह है उसकी वो बाह्य वातावरण के संपर्क में होती है। तो अपनी भोजन से संबंधित, श्वसन से संबंधित या उत्सर्जन से संबंधित जो आवश्यकताएं हैं वो उसकी पूर्ति कोशिका की बाह्य सतह से पूरी कर दी जाती है। लेकिन जो है, जब मल्टी सेलुलर एनिमल आता है, जैसे पॉरीफेरा क्या हो गए, मल्टी सेलुलर एनिमल्स हैं लेकिन अभी इनके अंदर ऑर्गन सिस्टम्स डेवलप नहीं हुए हैं। तो जब मल्टी सेलुलर एनिमल आता है तो सभी कोशिकाएं बाह्य वातावरण के संपर्क में नहीं होती हैं, जिसके कारण से जो मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए कोई संवहन तंत्र चाहिए। तो यहाँ क्योंकि स्पॉन्जेस जो है ये जलीय जीव है तो इनके अंदर जो संवहन तंत्र है वो जल का ही बना होता है, तो उसके लिए पाया जाता है एक विशेष प्रकार का नाल तंत्र, जिसे हम कहते हैं कैनाल सिस्टम। अब कैनाल सिस्टम स्पॉन्जेस में मुख्य रूप से तीन टाइप्स का हम बांट सकते हैं, एस्कोनॉइड टाइप, साइकोनॉइड टाइप एंड ल्यूकोनॉइड टाइप। इनमें सबसे सिंपलेस्ट होता है एस्कोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम, और ल्यूकोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम सबसे कॉम्प्लेक्स होता है। ल्यूकोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम को अगेन हम तीन टाइप्स में बांट सकते हैं, यूरीपाइलस, एफोडल एंड डिप्लोडल। इसके अलावा हम एक और प्रकार का कैनाल सिस्टम पढ़ेंगे, रेगोन स्टेज। हम शुरू करते हैं सबसे सिंपलेस्ट वाले से, एस्कोनॉइड टाइप कैनाल सिस्टम। यहाँ इस डायग्राम की सहायता से इसको समझाया है। एज वी नो स्पॉन्जेस आर मेंबर्स ऑफ पॉरीफेरा, मीन्स पोर बियरिंग बॉडी। तो इसमें क्या होता है, जो सबसे सिंपलेस्ट है उसमें क्या है, कलश की जैसी आकृति होती है एनिमल की, और लगभग एनिमल की साइज मात्र 1 इंच के लगभग होती है, और यह स्थानबद्ध है तो बेस जो है ये अटैच होता है, और यहाँ पर जो भित्ति होती है वो पतली होती है, और भित्ति में बाहर की तरफ क्या पाए जाती हैं, छिद्र पाए जाते हैं। अब यहाँ जैसे डायग्राम में बताया है, ये इसकी भित्ति बताई है, और हमें ये भी पता है कि पॉरीफेरा जो है वो डिप्लोब्लास्टिक है। डिप्लोब्लास्टिक मतलब दो लेयर है, बाहर की जो लेयर है वो लेयर बनी होती है पिनेकोसाइट से और पोरोसाइट से, जिसे कहेंगे इपिडर्मिस। तो यहाँ पोरोसाइट्स मतलब वो कोशिकाएं जिनमें छिद्र है। तो ये पोरोसाइट्स सिलेंड्रिकल सेल्स होती हैं, यहाँ दिखा रखा है ना, सिलेंड्रिकल सेल्स। तो यहाँ बाहर के जो पोर्स हैं ये पोर्स क्या कहलाते हैं, ऑस्टिया, और ये सीधा पोरोसाइट्स जो है ये अंदर की तरफ ओपन होती है, अंदर एक कैविटी है बड़ी जिसको कहेंगे स्पॉन्जो सील। तो इस तरह से जो है पोरोसाइट्स के कारण इसमें पोर्स पाए जाते हैं, और ये पोर्स सीधा ओपन होते हैं स्पॉन्जो सील में। तो पानी जो है बाहर ऑस्टिया से अंदर आता है, ऑस्टिया, ऑस्टिया का सिंगुलर हम कहेंगे ऑस्टियम। तो ऑस्टियम के द्वारा पानी जो है वो अंदर आता है स्पॉन्जो सील में, और स्पॉन्जो सील के अंदर यहाँ पर जो इसकी गैस्ट्रोडर्म लेयर हम कह सकते हैं या एंडोडर्म जो लेयर है वो बनी होती है कॉइनोसाइट्स कोशिकाओं की। कॉइनोसाइट कोशिका को हम फ्लैजिलेटेड सेल्स भी कह सकते हैं या कॉलर सेल्स भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर अंदर की साइड में फ्लैजिला है। अब ये फ्लैजिलेटेड सेल्स के जो फ्लैजिला मूव करते हैं, इस मूवमेंट के कारण पानी की गति निरंतर बनी रहती है, और पानी छोटे छोटे छिद्रों के द्वारा यानी ऑस्टिया के द्वारा देह भित्ति से होता हुआ स्पॉन्जो सील में एंटर करता है, और स्पॉन्जो सील से फिर बाहर एक बड़ा छिद्र होता है ऑस्क्यूलम, उसके द्वारा पानी बाहर निकाल दिया जाता है। तो अब ये जो वाटर सिस्टम बन गया, यानी ऑस्टिया के द्वारा पानी स्पॉन्जो सील में आना और स्पॉन्जो सील से होकर ऑस्क्यूलम के द्वारा बाहर जाना, और ये जल के साथ साथ में जो ऑक्सीजन अंदर आती है और जो भोजन के पदार्थ अंदर आते हैं तो ये पूर्ति करते हैं इसके श्वसन तंत्र की और भोजन की, और बाहर जाने वाला जल साथ लेकर के जाता है एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इन द फॉर्म ऑफ अमोनिया और कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये हो गया सबसे सिंपलेस्ट टाइप का एस्कोनॉइड टाइप। अब है कि
जब एनिमल्स की साइज केवल 1 इंच की होती है तब तो इसका फ्लैजुलर मूवमेंट सफिशियंट है कि वाटर फ्लो को कंटिन्यू बनाए रखे, लेकिन इससे बड़ी साइज का यदि एनिमल होता है तो ये जो फ्लैजुलर मूवमेंट है ये सफिशियंट नहीं होते कि पानी की कंटिन्यूटी को लगातार बना करके रखें। तो धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ और इसमें कुछ जटिलताएं आई, और इसके बाद सेकेंड टाइप हम आते हैं साइकोनॉइड टाइप। साइकोनॉइड टाइप में जैसा कि आप डायग्राम देख रहे हो, ये जो भित्ती है इसकी देह भित्ती, ये मोटी हो जाती है। ये मोटी क्यों हो जाती है? क्योंकि इसके अंदर इनफोल्ड्स बन जाती हैं, अंतर्वलन हो जाते हैं, और ये अंतर्वलन इस तरह से होते हैं कि ब्लाइंड कैनाल्स बन रही हैं। यहाँ देखो ये ब्लू कलर की कैनाल्स दिखाई है, ये अंदर की तरफ ब्लाइंड है, बंद है। इसी तरह से यहां से ये कैनाल दिखाई है, ये जो है ये भी एक साइड से बंद है। अब यहां पर ये जो ब्लू कलर की कैनाल्स हैं, ये कैनाल्स कहलाती हैं इनकरेंट कैनाल। इनकरेंट कैनाल जो केवल बाहर की तरफ ओपन होती है ऑस्टिया के फॉर्म में, और ये जो अंदर की तरफ की जो कैनाल है ये कहलाती है रेडियल कैनाल, जो अंदर की तरफ स्पॉन्जोसील में ओपन होती है। और स्पॉन्जोसील की कैविटी कितनी हो गई? थोड़ी कम हो गई है। अब यहाँ पर रेडियल कैनाल के अंदर की साइड में भी क्या पाए जाते हैं? कॉइनोसाइट सेल्स पाए जाते हैं, या हम कह सकते हैं कॉलर सेल्स पाए जाते हैं, फ्लैजिलेटेड सेल्स पाए जाते हैं। अब यहाँ पर जो है स्पॉन्जोसील में भी फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं और रेडियल कैनाल में भी फ्लैजिलेटेड सेल्स हैं, और स्पॉन्जोसील की कैविटी कम हो गई है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका आयतन, फ्लैजिलेटेड सेल्स का आयतन जो है ये बढ़ गया है, और इनमें फ्लैजुलर मूवमेंट अधिक होगा, जिसके कारण से पानी का बहाव जो है वो कंटिन्यू बना रहेगा। अब यहाँ पानी का बहाव कहाँ से कहाँ होता है? ऑस्टिया से पानी अंदर आता है इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल से कनेक्ट होती है, किसके द्वारा? ये जो कनेक्शन है ये कहलाता है प्रोसोपाइल। उसके बाद में ये रेडियल कैनाल है, और रेडियल कैनाल अंदर की तरफ ओपन होती है। रेडियल कैनाल जो अंदर की तरफ ओपन होती है उस छिद्र को कहते हैं एपोपाइल। तो इस तरह से वाटर करंट कहाँ से हुआ? ऑस्टिया, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल, प्रोसोपाइल से होता हुआ रेडियल कैनाल, एपोपाइल से होता हुआ स्पॉन्जोसील, और फिर ऑस्क्यूलम के द्वारा होता हुआ बाहर। तो ये हो गया इसमें साइकोनॉइड टाइप। इसमें अरेंजमेंट कैसा है? इनकरेंट कैनाल और रेडियल कैनाल आपस में अल्टरनेटली अरेंज्ड है। एक इनकरेंट कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, फिर इनकरेंट कैनाल, फिर रेडियल कैनाल, फिर इनकरेंट कैनाल, रेडियल कैनाल, इस तरह से अल्टरनेट अरेंजमेंट है इनकरेंट कैनाल का और रेडियल कैनाल का। अब हम आते हैं थर्ड टाइप जो हमने बताया है ल्यूकोनॉइड। ल्यूकोनॉइड जो है उसको 3 टाइप में बांटा जाता है। यूरीपाइलस, पहले हम इसके नाम को संधि विच्छेद करके इसका मीनिंग समझेंगे। यू मतलब क्या होता है? वास्तविक, और पाइलस शब्द मतलब है यहाँ पर पोर्स। तो यहाँ पर क्या है? वास्तविक पोर्स। पोर्स जो 2 प्रकार के बताए हैं, एक तो कौन सा बताया है? प्रोसोपाइल, दूसरा कौन सा बताया? एपोपाइल। एपोपाइल यानी रेडियल कैनाल जो अंदर ओपन हो रही है स्पॉन्जोसील में वो कहलाता है एपोपाइल, और इनकरेंट कैनाल रेडियल कैनाल में ओपन हो रही है वो कहला रहा है प्रोसोपाइल। तो यूरीपाइलस में यहाँ पर प्रोसोपाइल और एपोपाइल दोनों छिद्रों के रूप में ही होंगे, और ल्यूकोनॉइड टाइप में जो देह भित्ति है उसमें अंतर्वलन और अधिक बढ़ जाते हैं, और अधिक बढ़ जाते हैं, और रेडियल कैनाल्स लगभग नहीं के बराबर होती हैं, रिड्यूस हो जाती हैं या खत्म हो जाती हैं। इसी तरह से स्पॉन्जोसील भी बिल्कुल ना के बराबर रह जाती है। तो फिर बदले में रहता क्या है? इनकरेंट कैनाल के बाद में सीधा बनते हैं फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। ठीक है, हम यहां से लेते हैं इसका डायग्राम। ये है यूरीपाइलस का डायग्राम शो किया है मैंने, यानी सबसे बाहर क्या है? ऑस्टिया। ऑस्टिया सीधा ओपन होता है इनकरेंट कैनाल में। इनकरेंट कैनाल सीधा फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स बना रही है, यानी यहाँ पर रेडियल कैनाल्स नहीं है, यहाँ पर क्या है? फ्लैजिलेटेड चैम्बर्स। तो इनकरेंट कैनाल फ्लैजिलेटेड चैम्बर में ओपन हो रही है, और इस छिद्र को क्या कहेंगे? प्रोसोपाइल। फिर फ्लैजिलेटेड कैनाल ओपन होती है किसमें? एक्स करंट कैनाल में। यहाँ स्पॉन्जोसील का नाम नहीं आएगा क्योंकि स्पॉन्जोसील या तो है ही नहीं या बिल्कुल रिड्यूस हो जाती है, इसको कह देंगे एक्स करंट कैनाल। तो फ्लैजिलेटेड एक्सकरेंट कैनाल फिर ओपन होती है एक्सकरेंट साइनस। साइनस मतलब कोटर, एक्सकरेंट मतलब बाहर जाने वाला, तो ये थोड़ा सा स्पेस खाली होता है इसलिए इसको कह देते हैं एक्सकरेंट साइनस, और एक्सकरेंट साइनस फिर ऑस्कुलम के द्वारा बाहर ओपन होता है। तो इस तरह से यहाँ पर ये दोनों नाम आए हैं, यानी यहाँ पर छिद्र के रूप में ही है प्रोसोपाइल और एपोपाइल, इसीलिए इसका नाम है यू, ई यू यू यानी वास्तविक, पाइलस यानी छिद्र। ठीक है, तो यूरीपाइलस। तो ये प्रथम प्रकार का ल्यूकोनॉइड टाइप सिस्टम है। अब हम आते हैं दूसरा, एफोडल। ये जो एफो शब्द बना है, और एफोडल का मतलब क्या है?
यहाँ अब एपो पाइल की जगह एफो डस है, यानी जो छिद्र है उस छिद्र की जगह यहाँ पर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, एपोपाइलस की जगह ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो इसका नाम आ जाएगा एफो डस, और इसी कारण से इसका नाम दिया गया है एफो डल। अब यहाँ आप डायग्राम देखो, ऑस्टिया ओपन होता है इनकरेंट कैनाल में, फिर प्रोसोपाइल के द्वारा ये ओपन होता है फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, यहाँ दो फ्लैजिलेटेड चैम्बर शो किए गए हैं, फिर फ्लैजिलेटेड चैम्बर ओपन होंगे एक्सकरेंट कैनाल में, लेकिन यहाँ पोर के बजाय ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, तो ये जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसको कहेंगे एफो डस। ये ओपन होता है एक्सकरेंट कैनाल में, एक्सकरेंट कैनाल ओपन होती है एक्सकरेंट साइनस में और ऑस्कुलम के द्वारा बाहर, इसीलिए इसका नाम है एफो डल, यानी एफो फाइल की जगह एफो डस है यहाँ पर। अब हम आते हैं थर्ड टाइप, डिप्लोडल। डाई मतलब क्या होता है, दो, तो डिप्लोडल मतलब क्या है, यहाँ पर प्रोसो पाइल की जगह प्रोसो डस होगा और एपो पाइल की जगह एपो डस होगा, यानी कि इंस्टीट्यूट ऑफ पोर ट्यूबुलर स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, ऑस्टिया से इनकरेंट कैनाल में ओपन होगा, इनकरेंट कैनाल ओपन होगा फ्लैजिलेटेड चैम्बर में, लेकिन यहाँ छिद्र के बजाय ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसीलिए इसका नाम दे दिया प्रोसो डस। फिर फनल फ्लैजिलेटेड चैम्बर जो है ये ओपन होगा एक्सकरेंट कैनाल में, यहाँ भी एक छिद्र के बजाय ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है इसलिए इसको नाम दे दिया एफो डस। फिर एक्सकरेंट कैनाल एक्सकरेंट साइनस में ओपन होता है और एक्सकरेंट साइनस जो है ऑस्कुलम में ओपन होता है, तो ये इनके जो नाम है ये बहुत आसानी से हमें याद रह सकते हैं। अब हम लेते हैं तीन टाइप के, ये हो गए ल्यूकोनाइड। अब हम लेते हैं एक और स्टेज आती है रेगोन स्टेज। रेगोन स्टेज जो है ये एडल्ट जो स्पॉन्जेस हैं उनमें नहीं पाई जाती है इस प्रकार का नाल तंत्र। इस प्रकार का नाल तंत्र डिमोस्पॉन्जिया का जो डेवलपमेंट होता है उसकी लार्वा अवस्था में इस प्रकार का जो है नाल तंत्र पाया जाता है। यहाँ इसका डायग्राम शो किया है। इसमें क्या होता है कि इसकी जो देह भित्ति है, डिमोस्पॉन्जिया की लार्वा अवस्था है ये, एक लार्वा अवस्था में इसकी जो देह भित्ति है वो बहुत अधिक मोटी हो जाती है, तो इसको कहेंगे स्पॉन्जोफेयर। और ये मोटी क्यों हो जाती है, यहाँ पर कैनाल नहीं है, ना इसमें रेडियल कैनाल है, ना इसमें इनकरेंट कैनाल है, ना इसमें एक्सक्रीटरी कैनाल है, तो इसमें क्या है पूरी देह भित्ति में मोटे मोटे क्या बन जाते हैं, फ्लैजिलेटेड चैम्बर बन जाते हैं, और इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर के कारण ही ये देह भित्ति क्या हो जाती है, मोटी हो जाती है। यहाँ फ्लैजिलेटेड चैम्बर शो किए गए हैं। अब यहाँ पर ऑस्टिया नाम भी नहीं आएगा, तो यहाँ पर कौन सा नाम आएगा, बाहर की तरफ जो ओपनिंग है ये कहलाती है प्रोसोपाइल, और इन फ्लैजिलेटेड चैम्बर की अंदर की तरफ जो ओपनिंग है ये कहलाती है एपोपाइल। तो ये स्टेज क्या कहलाती है, रेगोन स्टेज, जो एडल्ट में नहीं होती है, डिमोस्पॉन्जिया के लार्वा अवस्था में पाई जाती है। तो यहाँ पर कौन सा शब्द नहीं आएगा, ऑस्टिया शब्द नहीं आएगा, यहाँ पर कोई ट्यूब नहीं आएगा, यहाँ पर क्या है सीधा फ्लैजिलेटेड चैम्बर है, तो पानी एंटर करता है प्रोसोपाइल से फ्लैजिलेटेड चैम्बर में और एपोपाइल से होता हुआ आ जाता है स्पॉन्जोसील में और ऑस्क्यूलम के द्वारा पानी बाहर चला जाता है। अब यहाँ रिक्वायरमेंट, जैसे मैंने इसको बिल्कुल शॉर्ट में बता दिया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है सांस लेना और भोजन करना, तो ऑक्सीजन और फूड को कोशिकाओं तक पहुंचाने का कार्य किसके द्वारा हुआ, कैनाल सिस्टम में जो जल आ रहा है उसके द्वारा, और इसी तरह से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो भोजन के बाद में बचा हुआ भोजन है वो जो अनुपयोगी है वो, इसके साथ में कार्बन डाइऑक्साइड, तो कार्बन डाइऑक्साइड और एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को भी बाहर निकाला जाता है बाहर जाते हुए जल धारा के साथ में। इस तरह से बेसिक रिक्वायरमेंट जो है इस एनिमल की पूरी होती है कैनाल सिस्टम के द्वारा। थैंक यू, इट्स ऑल।